एनीमे की खबरों की लहर के पांचवे एपिसोड में स्वागत है। एंड ये वाला एपिसोड सबसे ज्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि अभी तक मतलब दिसंबर 17 तक जंप फेस्ट 2024 का डे वन और डे टू खत्म हो चुका है, जिसमें कि कई सारे अनाउंसमेंट वगैरह हुए, तो उनमें से भी कई अनाउंसमेंट वगैरह आज हम कवर करेंगे और बाकी चीजें लपेटते हुआ है वो भी लपेटेंगे। सबसे पहले सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है। नहीं, हमारे लिए नहीं हुआ है, जापान और कोरिया वालों के लिए बस हुआ है। मतलब वो स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी, थिएटर्स में दिखाया गया था भैया एपिसोड। मैंने रिएक्शन ढूंढने की काफी कोशिश करी कि लोग क्या कह रहे हैं इसको देखने के बाद, पर मिला नहीं मेरे को ऐसा कुछ। और नॉर्मली तो हमारे लिए रिलीज होगा 6 जनवरी को, तभी हम देख लेंगे। अभी तुम देखने की कोशिश मत करना, कैसे भी कुछ दिन रुक जाओ, अच्छे से देखना। और एक एनीमे न्यूज को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, जो अब हमने पिछले एनीमे न्यूज के एपिसोड में कवर करी थी वो थोड़ी सी गलत थी। माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 7 May 4, 2024 से एयर होना चालू होगा। उसमें मैंने अप्रैल बोल दिया था, पता नहीं वेबसाइट पे कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया था। वेबसाइट वाले तो भाई वो सारे जगह यही हल्ला मच गया, अप्रैल बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दिया उन्होंने। पर ऐसा नहीं है कि अप्रैल में तुम्हें माय हीरो एकेडेमिया से देखने को नहीं मिलेगा। अप्रैल के लिए भी इनके अलग प्लान्स हैं, जो कि जंप फेस्ट में इन्होंने अनाउंस किए हैं। एक्चुअली ये अप्रैल में एक स्पेशल रिलीज कर रहे हैं जिसमें जिसका की नाम है माय हीरो एकेडेमिया मेमोरीज। और जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें ये लोग रीकैप करने वाले माय हीरो एकेडेमिया की सीरीज, जिससे रिफ्रेश हो जाए। और इसके एपिसोड रिलीज होंगे 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को। असली सीजन 7 का माल चालू होगा May 4 से। और जैसे कि हमें पिछले सीजन के लास्ट में ही पता चल गया था सीजन 7 में क्या हमें कुछ चीजें देखने मिलने वाली हैं, जैसे कि अमेरिका से एक हीरोइन आ गई थी, उसका सीरीज में आगे काफी बड़ा रोल होने वाला है, जो कि हम सीजन 7 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे क्लास के बच्चे और जो कि लीड कर रहा है भैया वन फॉर ऑल, उससे लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई फिर से बढ़िया देखने मिलने वाली, मजा आएगा। और सीजन 7 में यहाँ पे कवर होगा स्टार एंड स्ट्रे पार्क, और वो लेडी भी अब आगे सीरीज में काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और अभी भी खत्म नहीं हुई माय हीरो एकेडेमिया से खबर, जंप फेस्ट में भाई ने हल्ला मचा दिया है। एक और जो चीज इनके यहाँ से निकल के आई है कि भाई यहाँ पे इनकी 4th मूवी आने वाली है, माय हीरो एकेडेमिया मूवी 4, और उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, बस इतना बता दिया है समर में आएगी, समर 2024 बस। पर बहुत कुछ बता गए, बढ़िया। हाईक्यू जैसे कि एंड हो चुका था दिसंबर 2020 में, बट अब जैसे कि इसकी एक नई मूवी आने वाली है जो कि एनीमे की सीक्वल होगी, मतलब एनीमे जहां से खत्म हुआ उसके बाद की कहानी होगी इसमें। इसका ट्रेलर तो आया ही आया, साथ में यहाँ पर रिलीज डेट भी यहाँ पे बता दी, February 16, 2024, और साथ में इनने थीम सॉन्ग भी यहाँ पर रिलीज कर दिया, तो तुम सुन सकते हो सुनना हो तो। काईजू नंबर 8 का भी एनीमे यहाँ पे डेब आउट कर रहा है 20 अप्रैल 2024 में। इसके बारे में मैंने काफी सुना था एंड इसका नाम भी मेरे को इंटरेस्टिंग सा लगता था देखने में। अभी जैसे कि इसका ट्रेलर भी आ चुका है और उसको देख के सच में मजा आ गया भाई, क्या बढ़िया ट्रेलर बनाया था इसमें। जो फाइटिंग वगैरह देखने मिलती है, विजुअल्स चम्मा विजुअल, मतलब शो का एनिमेशन काफी बढ़िया होने वाला है। और स्टोरी भी मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है, मतलब हमारे बंदे के अंदर कुछ तो भी घुस गया है भैया, हमारा बंदा शायद काईजू बोलेंगे उसको, काईजू बन गया। फाइट्स वगैरह भी एक नंबर दिख रही थी, मतलब भाई देखना पड़ेगा ये वाला एनिमे, देखते हैं। क्लासरूम ऑफ एलाइट सीजन 3 रिलीज हो रहा है भाई January 3, 2024 को। इसका ट्रेलर भी आ चुका है जो कि तुम पूरा का पूरा देख सकते हो सर्च करके ऑब्वियसली। और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता इस सीरीज के बारे में क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अगर तुम में से किसी ने देखा है तो कमेंट में बताना कि कैसे सीरीज है, जरूर देख लेंगे फिर। ब्लू लॉक मूवी नेगी क्या बोलेंगे इसको, नेगी बोलते हैं, ये मूवी आने वाली है April 19, 2024। पता नहीं बाकी जगह भी रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे, पर लोग तो देख लेंगे। और ये मूवी बेस्ड होने वाली है हमारे बंदे नेगी के ऊपर, कि कैसे उसकी जिंदगी का ट्रांजिशन हुआ एक लेजी हाई स्कूलर से सॉकर की फील्ड में आने तक का, जिसमें कि वो इवेंचुअली पार्टिसिपेट करता है ईगो के ब्लू लॉक प्रोग्राम में। तो पूरी मूवी इसी जर्नी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। आगे हमारे मिशेल मैजिक एंड मसल की भी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है कि भाई इसका सीजन 2 आने वाला है, जिसकी हमें ग्लिम्स देखने को मिलती है। और इसमें कवर होने वाला है भाई डिवाइन विजनरी एग्जाम कैंडिडेट आर्क। सीजन 1 में तो काफी मजा आया था, अब होप करते हैं सीजन 2 भी बढ़िया होगा। और वैसे तो लग रहा है कि बढ़िया होगा ही, जल्दी पता चल जाए क्योंकि भाई जल्दी ही रिलीज होने वाला है, 6 जनवरी से एयर होना चालू हो जाएगा। और जंप फेस्ट 2024 में हमें जुजुत्सु काइसन के राइटर से ये चीज सुनने मिली, उन्होंने बताया कि जुजुत्सु काइसन के लिए ये जंप फेस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली क्या यही लिखा है प्रोबेबली डेफिनेटली लास्ट जंप फेस्ट होगा। मतलब सीधा सीधा जुजुत्सु काइसन के एंड होने की बात हो रही है, जो कि 2024 में हो सकता है। और यहाँ पे मांगा की बात हो रही है, एनीमे तो लंबा चलता रहेगा, मांगा के लिए बता रहे हैं कि एंड हो सकती है। पर जिस तरीके के हमारे गेगे याकुतामी जी काम कर रहे हैं, गोजो को उड़वा दिए थे और आगे पता नहीं 2-4 ऐसे और काम कर दिए, तो पता नहीं कर पाएंगे खत्म की नहीं कर पाएंगे, फैंस बहुत खतरनाक गुस्सा है इनसे। और हमारे डीमन स्लेयर ने भी अनाउंसमेंट करी है जंप फेस्ट में, इनने बताया कि भाई ये लोग अपनी 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि उसके एनीमे को 5 साल हो चुके हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग भाई एक इवेंट करवाएंगे 9 मार्च को और 10 मार्च को, जो कि होगा मैसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में। पर हमारे ये क्या काम की भाई, हम थोड़ी देखने जा पा रहे। और इसके अलावा भाई जंप फेस्ट में डीमन स्लेयर वालों ने कुछ भी नहीं बताया, सीजन 4 के बारे में ही थोड़ा सा एक आध स्क्रीनशॉट शेयर कर देते वो तो ही हमें मजा आ जाता, लेकिन कुछ नहीं बताया भाई, पूरा
पैसा छापने के पहनेंगे इनकी, सब कुछ ये दिखाएंगे स्पेशल स्क्रीनिंग में जो कि ये करवा रहे हैं फरवरी में। तो इसलिए फैंस भी यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए, जैसे कि मैं खुद हो गया। पर कुछ और भी शोज से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जैसे कि स्पाई फैमिली, इससे भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई, पर वैसे तो इसका सीजन 2 चल रहा है तो क्या ही बता देते ये लोग। और ओशिनोको से रिलेटेड भी हमें कोई अनाउंसमेंट देखने नहीं मिली, विच इज वरिंग। 10th नंबर पे गर्मा गर्म तगड़ी खबर आने वाली है भाई, क्योंकि हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 अनाउंस हो गया है। इसका एक टीजर विजुअल भी आया है जिसको देख के भाई हाँ मजा आ गया कि आ रहा है, फाइनली आ रहा है, आ तो रहा है। अब क्या सीजन 2 हेल्स पैराडाइज का लास्ट सीजन होगा, क्योंकि इसकी मांगा में टोटल 126 चैप्टर्स हैं। पहला सीजन था जिसमें कि 12-13 एपिसोड थे, उसमें भाई उन 12-13 एपिसोड्स में मांगा के 59 चैप्टर्स लगभग यहाँ पे कवर कर दिए थे, और जितने कवर हो गए उतने ही कुछ चैप्टर्स और बचे हैं। तो इस तरीके से देखे तो मतलब सीजन 2 लास्ट सीजन होगा हेल्स पैराडाइज के लिए, पर ज्यादातर चांसेस इसके ना होने के हैं, क्योंकि इस टाइप से करते हैं तो एंडिंग रश वगैरह हो जाए, क्योंकि 12-13 एपिसोड में ही कैसे एंड करते हैं, और भी कुछ आर्क्स इनको कवर करने हैं, तो मान के चलो नहीं होगा खत्म। और जैसा कि मापा वालों को देखते आए हैं एंडिंग में, तो भाई ये बहुत आराम से ही काम करते हैं, तो नहीं रश नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर आती है भाई वन पीस की तरफ से, क्योंकि इसका भाई होने वाला है रीमेक, फिर से बना जाएगा वन पीस एनीमे, और इसको टोई एनिमेशन वाले नहीं बनाएंगे जो पहले से वन पीस को बनाते हुए आ रहे हैं, इसको भाई बनाएंगे विट स्टूडियो वाले जिनने अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 से सीजन 3 तक बनाए हैं, स्पाई फैमिली को बनाया है, और भी काफी बढ़िया शोज बनाए हैं। और अब इनके हाथों में भाई इतनी बड़ी चीज वन पीस, जिसको ये ईस्ट ब्लू सागा से रीमेक करेंगे जो कि कहानी की स्टार्टिंग ही है, और ये तो हमें देखने मिलेगा एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पे। भाई नेटफ्लिक्स वाले शायद धंधा समझ चुके हैं, वन पीस में खूब धंधा है भाई, लाइव एक्शन दबा के भाई व्यूअर्स खींचे, एनीवे भी इसका बनाओ रीमेक, उससे भी एनीमे वाले व्यूअर्स खींचो, लपेट लो। और वैसे इस रीमेक से वन पीस की कई प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि बैड पेसिंग, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी वन पीस में कि उसकी पेसिंग स्लो है, और आजकल के कुछ मेजोरिटी में जो बंदे हो रहे हैं उनको चाहिए भाई साहब फास्ट पेसिंग, तो पेसिंग सही हो जाएगी और एनिमेशन भी, क्योंकि पुराने एपिसोड्स का एनिमेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई वो बहुत पुराने हैं, तो वो भी फिक्स हो जाएगा। बट इससे ये भी है कि पुराना एनिमेशन जो वन पीस का है वो खराब ही नहीं है, उसकी भाई पुरानी एनिमेशन की तुम देखोगे पुराने एनिमे कोई भी उठा लो उनकी वाइब ही अलग रहती है, ऐसे ही वन पीस के साथ भी है। पर ऐसा नहीं है कि रीमेक आ जाएगा तो पुराने डिलीट कर दिए जाएंगे पुराने वाले, नहीं वो भी ऑप्शन रहेगा, तो वो भी देख पाओगे अलग अलग बंदों को टारगेट करने के लिए है। और एक और चीज होगी, वन पीस छोटा हो जाएगा, इतने सारे 1000 एपिसोड है, अगर पेसिंग अच्छी कर दी जाए तो भाई 1000 के आधे से भी कम हो जाएंगे एपिसोड, और इससे नए बंदे भी वन पीस में आ सकते हैं जो कि 1000 एपिसोड से डर रहे थे, और अपन लोग जो कि देख चुके हैं वो एक और बार रीवॉच कर लेंगे, क्या जा रहा है। और अब हमारे पास वन पीस लाइव एक्शन हो गया, वन पीस के गेम्स आ गए, पीक एनीमे हो गया, पीक मांगा हो गया, अब तो रीमेक भी हो गया, और एक और वन पीस यूनिवर्स का एक और एनीमे भी अनाउंस हो गया, अब क्या बच रहा है बताओ, सब लपेट लेगा ये। चेंसो मैन से भी हमें बड़ी न्यूज देखने मिलती है कि भाई इसकी मूवी आने वाली है, और इस मूवी में क्या दिखाएंगे, क्या ये कैनन होगी? यस, ये मूवी कैनन होगी, और इसमें दिखाएंगे रीजे आर्क को। अब रीजे एक लड़की होती है जिसको कि भाई मिशन पे भेजा जाता है, और उसका मिशन क्या होता है, डेंजी के हार्ट को लेके आना, जो कि पोचिता है, और रीजे एक बॉम्ब डीमन है, बॉम्ब गर्ल भी बोल सकते हो, बॉम्ब है वो, और उसको काफी अच्छी तरीके से पता है कि डेंजी को कैसे लपेटना है, उसको क्या चाहिए। और ये मूवी अगर अच्छे से बनी तो भाई बढ़िया होने वाली है, क्योंकि दम है इस आर्क में। अगर सीजन 1 तुमको पसंद आया तो तुम मूवी उससे भी पसंद आए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसमें भी, फाइट्स वगैरह और जो भी कांड होते हैं वो भी बढ़िया है, और रिलीज डेट वगैरह कुछ भी अनाउंस नहीं किया अभी। वन पंच मैन वर्ल्ड नाम से वन पंच मैन का एक नया गेम आने वाला है, जो होगा फ्री टू प्ले, फ्री में खेलो, और अपने तो मोबाइल पे भी खेल सकते हो। इसको बनाने वाले हैं क्रंची रोल गेम्स, T3 स्टूडियो एंड A+, जो कि बोला जा रहा है January 30, 2024 को रिलीज होगा, और इसका ट्रेलर जैसे कि तुम देख ही रहे हो। इस गेम में हम वन पंच मैन यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर बन सकते हैं, उसको एज अ प्लेयर लेके खेल सकते हैं, और पूरा गेम एक्शन पैक्ड है, काफी खतरनाक फाइटिंग है, और गेम भी मुझे लग रहा है फाइटिंग गेम होगा, ऑनलाइन जैसे कि इनने बताया ऑनलाइन गेम है तो ऑनलाइन फाइटिंग जैसी होती है। स्टोरी मोड हमें प्रोबेबली कुछ ज्यादा ना मिले या फिर मिले ही ना, क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है उसमें। और जैसे कि हमने पहले बात करी थी, वन पीस यूनिवर्स से एक और एनीमे आने वाला है जिसका नाम होगा मॉन्स्टर्स, जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट होगा शिमुत्सुकि रियुमा, और ये वही रियुमा है जिसको कि तुमने थ्रिलर बार्क आर्क में पहली बार देखा होगा, हड्डी के रूप में देखने मिला था क्योंकि वो आर्क की कहानी कुछ ऐसी थी। और जैसे कि हमारा रियुमा वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था, उसी की जर्नी के ऊपर शो होने वाला है, और इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया है, बस बता दिया है कि आने वाला है, और बताया जा रहा है कि बस रियुमा नहीं और भी कई ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने मिलेंगे, और कोई अलग से कोई राइटर नहीं है, हमारे ओडा जी ने ही लिखी है इसकी कहानी भी, और इसकी जो कहानी रहने वाली है वन पीस के एनीमे जहां से शुरू होता है उसके पहले की कहानी होगी, मतलब प्रीक्वल रहेगा ये। और बोल रहे हैं कि ये शो तो हमें देखने मिलेगा जनवरी को नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो में, और बताया गया कि ऐसा
एक्सपेक्ट ना किया जाए कि एक पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है अच्छे एपिसोडों की। हो सकता है इसमें एक दो ही एपिसोड देखने मिले जिसमें कि पूरी कहानी आजू बाजू की जितनी कवर करनी होगी हमारे ओडा जी को कवर कर देंगे और बाकी तो हमें देख के पता चलेगा। और इसको एनिमेट कर रहे हैं ENH, पता नहीं पहली बार ये नाम सुन रहा हूं मैं तो, पर होगा जो भी होगा अच्छा ही मतलब अच्छा ही कराएंगे काम। हंटर हंटर का भी यहाँ पे एक नया फाइटिंग गेम आने वाला है जो कि बना रहे हैं 18 वाले। एंड जैसे कि बताइए ये एक फाइटिंग गेम होगा जिसमें कि यहाँ कैरेक्टर वहाँ कैरेक्टर भिड़ जाओ दोनों और कई सारी पावर यूज कर पाओगे, कई सारे कैरेक्टर से खेल पाओगे और बढ़िया गेम मतलब ऐसे ही रहेगा। और एक हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि बताया गया कि भाई 60% एनीमे के जो क्रिएटर्स हैं वो सफर करते हैं मेंटल और फिजिकल फटीग से, और ये बात काफी हद तक सच है क्योंकि वीडियो बनाने में भाई काफी मेहनत जाती है। और यहाँ पर जैसे कि एनीमे पे वीडियो बना रहे तो उस एनीमे को अच्छे से देखो, एक दो बार देखो जिससे कि कुछ मिस ना हो जाए क्योंकि तुम्हें पूरा बताना है, और ज्यादा से ज्यादा एनीमे भी कवर करने पड़ते हैं जिससे कि हर टाइप के एनीमे के बारे में हम बताऊं भाई वीडियोस। और अभी तो मैं भाई जैसे कि तुम देख रहे हो डेली वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में भाई काफी मतलब हो जाते हैं स्ट्रेस वगैरह। और छोड़ो ये सब, अब बात करते हैं हमारे जुजुत्सु काइसन के बारे में। जैसे कि हम इसको अपने पुरानी एनिमी न्यूज के एपिसोड से लपेटते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में कई सारी बातें करते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें एक और सीन निकल के आया है, इनके यहाँ पे भैया ज्वाइन हुआ है एक 16 साल का एनिमेटर, वो भी यहाँ पे एनिमेट कर रहा है जुजुत्सु काइसन को। नहीं, पुराने बंदों को उनने ज्यादा काम करवा के कुछ उनको नहीं किया है या फिर किया है नहीं, वो ट्विटर पर सॉरी बोलता है क्योंकि उसने एनिमेट करते समय कुछ गलती कर दी थी, जिसमें एपिसोड 21 में एक सीन में माहितो और नेकलेस को थोड़ा सा गलत एनिमेट कर दिया था अलग एंगल पे, तो इसी के लिए वो सॉरी बोलता है। एंड लोग भी यहाँ पे उसको अप्रिसिएट ही कर रहे थे कि वाह 16 साल का लड़का एनिमेट कर रहा है वाह। और हाल ही में यहाँ पे मैं भूल गया इसको कवर करना, सुसाइड स्क्वाड का यहाँ पे एनिमे भी अनाउंस हुआ था और अब तो ट्रेलर भी आ चुका है। और ये शो भाई मांगा के ऊपर नहीं होगा, ये शो होगा भाई कॉमिक के ऊपर, डीसी कॉमिक्स। और डीसी कॉमिक्स के बारे में शायद तुम जानते होगे, जिसके बैटमैन सुपरमैन वगैरह हैं उनके यूनिवर्स के ये सुपर विलन्स रहते हैं जिनका की टीम रहती है सुसाइड स्क्वाड। इनका सीन बेसिकली ऐसा रहता है, ये लोग जेल में सड़ रहे होते हैं बट इनको एक मौका दिया जाता है, एक मिशन दिया जाता है एक व्यक्ति द्वारा अमांडा वॉलर, और अगर इस मिशन को सक्सेसफुली उन्होंने कर दिया तो इन लोगों को आजादी मिलेगी, ऐसी कुछ टाइप की इनकी कहानी रहती है। इनके ऊपर मूवीज भी बनी है, मूवीज तो भाई काफी खतरनाक है, बढ़िया है। और अब इसके ऊपर एक इसेकाई एनीमे बनने वाला है जिसका ट्रेलर भी बढ़िया दिख रहा है, विजुअल्स वगैरह अच्छे हैं। अब स्टोरी पता नहीं इसमें कौन सी ये लोग फॉलो करेंगे या फिर अलग से ही स्टोरी बना देंगे, जो भी होगा मजा तो आएगा क्योंकि इसमें जोकर भी देखने मिलेगा, मतलब भाई कितना फेमस सुपर विलन है वो। तो इसको एनिमेट कर रहे हैं विट स्टूडियो, नाम सुन चुके हो तुम को क्या क्या किया ये भी, और हमारे वार्नर ब्रोस जापान वाले। रोलोनी केंशिन, इसके बारे में खूब सुन लिया होगा तुमने मेरे मुंह से, इसका भी सीजन 2 अनाउंस हो चुका है जो कि कवर करेगा क्योटो रियोट आर्क को, जो कि सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक है एंड इसके विलन भी काफी पॉपुलर है और लोग भी इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार कब खत्म होगा ये नहीं पता क्योंकि रिलीज डेट नहीं बताई है पर अनाउंस कर दिया है। तो यही था हमारा आज का एनीमे की खबरों की लहर का एपिसोड, बहुत बड़ा एपिसोड हो गया है और मैं सारी की सारी जंप फेस्ट 24 से रिलेटेड खबरें कवर नहीं कर पाया, कुछ कुछ रह गई पर मेन जो थी वो मैंने कवर कर दी है, और भी कुछ जो अगर रह जाएंगी तो एक और एपिसोड बना देंगे। तो चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ एनिमे से रिलेटेड, कर देना यार लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं, बाय। बाल कटवा लिए वैसे मैंने दोबारा।